भगवान श्री कृष्ण द्वारका से डाकोर आए थे, आप ये भूल कर रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल पकोड़े हैं। गुजराती फूड जो है वो थाली के बिना अधूरा है। तो वक्त है शाम का, लगभग 6 बज चुके हैं। ये मौसम थोड़ा सर्दियों का है इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता है, और मैं आया हूँ एक बड़ी मशहूर दुकान, भजिए को यहाँ पर गोटा भी कहा जाता है, हालांकि भजिया थोड़ा सा डिफरेंट है और मेथी ना गोटा और इस तरीके के गुजराती शब्द हैं ये, तो बड़े फेमस मिलते हैं ये। आप देख सकते हैं दुकान बापालाल, और ये बापालाल फेमस दुकान है बड़ी यहाँ पर गोमती नगर गोटावाड़ा, बापालाल गोमती नगर गोटावाड़ा, यानी ये डाकोर करके एक जगह है। जब यहाँ से हम टूवर्ड्स वडोदरा की तरफ जाते हैं अहमदाबाद, तो डाकोर एक शहर है छोटा सा, और वहाँ पे ये पकोड़े भजिए ये बड़े फेमस है। भजिए की दुकान तो वहाँ है ही, और वहाँ पे आटा भी मिलता है, तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ से आटा भी लेकर जाते हैं इन पकोड़े बनाने के लिए। देखिए गुजरात में वेराइटीज़ है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर बापा लालना, भजिया गोटा मगस काफ़ी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं, आइए। तो ये नवरंगपुरा स्टेडियम है और यहाँ पर ये मशहूर दुकान है। तो इनकी दुकान यहाँ पर तो कुछ साल हुए हैं, लेकिन इनकी जो शुरुआत है वो डाकोर से हुई है, और डाकोर में जो इनकी दुकान है वो 5 जनरेशन से चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा एक्सपीरियंस इस चीज़ में इन्हें है, और एक्सपीरियंस यहाँ भी बताता है, क्योंकि अब सिर्फ ये गोटे बेचते नहीं या भजिए बेचते नहीं, बल्कि इनका आटा भी आता है। देख सकते हैं आप ये दाल वड़ा इंस्टेंट मिक्स, ये इनका जो मशहूर सबसे पहले ये गोटा इंस्टेंट मिक्स, तो ये काफ़ी मशहूर दुकान है। यहाँ पर आप भी अहमदाबाद जब आते हैं वैरायटी ऑफ मिक्सेस भी मिलते हैं इनके, लेकिन स्पेशली इन गोटे के लिए यहाँ पर बड़ी मशहूर है ये दुकान। तो जब भी आएंगे तो इस दुकान का नाम आप याद रखिएगा, बापालाल नाम है यहाँ पर। तो चलिए ट्राई करते हैं कि क्या है इनके टेस्ट में, ऐसी क्या बात है कि लोग इतनी फेमस है यहाँ पर ये शॉप, आइए। तो ये मेरा ऑर्डर आ चुका है, और देखिए ज़रा कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई है। ये तो है इनके मशहूर गोटे बापालाल के, और बड़े ही फेमस है, गरम है थोड़े से गरम है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मुझे इन्होंने बताया कि इनकी दूसरी मशहूर चीज़ है, इसे दाबड़ा कहते हैं। और ये देखिए, ये है तो आलू के पकोड़े आपको दिखेंगे जैसे नॉर्मली आलू पकोड़े होते हैं, लेकिन इसके अंदर इनके मसाले की फीलिंग है, ये देख सकते हैं आप। तो ये कुछ अलग टेस्ट के लिए एक नई वेराइटी ज़रूर है। अच्छा, ये मिठाई है, इसे मगज के लड्डू कहा जाते हैं, बेसन के लड्डू है, और ये डाकोर में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका से डाकोर आए थे, और डाकोर में उनके रणछोड़ जी का जो रूप है उस रूप का मंदिर है वहाँ पे, और बड़ा मशहूर मंदिर है, और उस मंदिर में ये प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। तो क्योंकि लोगों को वहाँ ये प्रसाद अच्छा लगता है और ये भी डाकोर से हैं, तो उन्होंने इस प्रसाद को बनाने की शुरुआत यहाँ भी की। तो ये सिर्फ लोग ले जाते हैं, ये प्रसाद तो कोई चीज़ तब तक नहीं होती जब तक वो भगवान को अर्पण नहीं करते, लेकिन ये टेस्ट के लिए लोग ले जाते हैं, बाकी ये चीज़ वही है। तो ये 3 चीज़ है, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये दही के साथ देते हैं, जनरली आपने पकोड़े या ये सब चटनी के साथ देखे होंगे, या कड़ी के साथ आपने पिछले वीडियोस में राजस्थान के वगैरह भी देखे हैं। ये चने का आटा है, उससे बनते हैं, और अंदर कुछ फिलिंग है गरम मसाले की। चलिए ये शुरू करते हैं हम, काफ़ी टूट जाते हैं ये। एक बात बता दूं आपको, अगर आप ये भूल कर रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल पकोड़े है, ये नॉर्मल पकोड़े नहीं है जो आप बाहर खाते हैं कि हर जगह पकोड़े की स्ट्रीट में खाते हैं कहीं भी, और ये एक अलग चीज़ है। इसका नाम अगर बापाराम गोटे रखा गया है, आप पकोड़े कह सकते हैं इसे, लेकिन इसका टेस्ट उससे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, और इसकी फीलिंग की वजह से ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाता है। तो आप जब भी यहाँ पर आते हैं ना, तो इसको ट्राई ज़रूर करना। पकोड़े तो आपने हर जगह खाए होंगे, हर स्टेट में मिल जाते हैं, ये जो चीज़ है ना ये आपको सिर्फ अहमदाबाद में ही मिलेगी, और अगर टेस्ट ये चाहिए तो इनके यहीं आना पड़ेगा। चलिए, ये
ट्राई करते हैं, इसको तोड़ना शायद मुश्किल हो, नहीं ठीक है, अब इसे ट्राई करते हैं। ये फिलिंग की वजह से ये आलू का पकौड़ा तो है नहीं, ठीक है, ऊपर से टेक्सचर ज़रूर या पैटर्न ज़रूर वही है, लेकिन फिलिंग का मेन देखना है कि इस फिलिंग का क्या टेस्ट है। भाई मैंने आपसे कहा था, हम गए थे रायपुर भजिया हाउस और मैंने आपसे कहा था कि मैं पकोड़े का ज़्यादा वैसे शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको दोबारा खा रहा हूँ तो ये पकोड़े तो बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और है और ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब कुछ मीठा ट्राई करते हैं। ये प्रसाद बड़ा फेमस है, प्रसाद नहीं है लेकिन ये जो लड्डू हैं ज़्यादा स्वीट नहीं है लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है इसका। जो प्रसाद जनरली हम कहीं जाते हैं, आप शिरडी जाते हैं तो भी वहाँ का प्रसाद लोगों को बहुत पसंद है, अंबाजी जाते हैं तो वहाँ का प्रसाद लोगों को बहुत पसंद है, डाकोर जाएंगे श्री कृष्ण के मंदिर में वहाँ का प्रसाद भी लोगों को पसंद है, दूसरी जगहों का प्रसाद आपको शायद मिल नहीं सकता है अगर आप पसंद करते हैं तो, लेकिन हाँ डाकोर का ये प्रसाद आपको यहाँ मिल सकता है, तो यहाँ पर आइएगा तो इसे टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अहमदाबाद का जो फूड ब्लॉग है वो यहाँ की थालियों के बिना अधूरा है। अहमदाबाद सिटी थालियों के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पर वेज गुजराती थाली जो है वो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं टेस्ट करने के लिए, और लगभग पूरे अहमदाबाद में ही हर जगह मिल जाती है, लेकिन मैं आपको लाया हूँ अहमदाबाद के सबसे मशहूर जगह पर, नाम है यहाँ पर रजवाड़ू रेस्टोरेंट और काफ़ी मशहूर है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं अंदर कि आखिर ये है कैसा, लोगों से तो काफ़ी सुना है इसके बारे में, चलिए आज एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अहमदाबाद में थाली बड़ी मशहूर है और इसलिए हम यहाँ रजवाड़ू रेस्टोरेंट है, रजवाड़ू नाम है, और यहाँ पर आए हैं थाली खाने, क्योंकि थाली के बिना गुजराती कुजीन, गुजराती फूड जो है वो थाली के बिना अधूरा है, और थाली अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कई जगह की पॉपुलर है, उसमें मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ कि ये काफ़ी पॉपुलर जगह है। तो वैसे इनका प्राइस लगभग 950 है पर थाली, अलाकार्ट का भी सेक्शन है वो अलग है, लेकिन थाली वाला जो है वो सेक्शन भी अलग है। आते ही एज यूजुअल जो रिसेप्शन एरिया है जहाँ से आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद आगे आपको ये ग्रीटिंग के लिए ये फ्लावर दिया जाता है, वेलकम किया जाता है आपका, और उसके बाद ये यहाँ का रजवाड़ू का ये वेटिंग एरिया है, सिटिंग एरिया है, जहाँ से आपको जैसे ही अंदर सेक्शन खाली होते हैं थाली के लिए, जो भीड़ वहाँ से जैसे कम होती है तो यहाँ से गेस्ट को बुलाया जाता है, तो ये वो वेटिंग एरिया है, यहाँ पर गपशप कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और साथ में यहीं पे आपको वेलकम ड्रिंक वगैरह भी दिया जाता है जो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। तो चलिए अब जब हमारी बारी आएगी तब आगे चलेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या है, काफ़ी एंटरटेनिंग जगह है, पूरी तरीके से जो एक रस्टिक जो विलेज लाइफ होती है कुछ कुछ उस तरीके की जगह है, थोड़ी सी पॉकेट पे हैवी ज़रूर है, लेकिन हाँ अगर गुजराती कल्चर अगर सीमित जगह में आपको देखना है, गुजराती फूड खाना है एक सीमित जगह में, तो ये बेस्ट जगह है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए थाली आ चुकी है, मैंने आपसे कहा था कि
अहमदाबाद में थाली बहुत पॉपुलर है और आप देख सकते हैं वास्टनेस इसकी, इतनी सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी आपको हर चीज़ टेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। इसमें तीखा स्वाद मिलेगा, खट्टा मीठा सब कुछ आपको मिलेगा। यही खासियत है गुजराती कुजीन की। अब देखिए, ये तो पूरे सैलड की थाली है, ये पपैया सैलड, ये पत्ता गोभी, ओनियन, टोमेटोज़, यानी जो सैलड की चीज़ें हैं, कैरेट वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। और ये थाली देखिए, अब ये है गुजराती कल्चर। और ये देखिए, ये तो गार्लिक की चटनी दी है इन्होंने, ये नमकीन फरसान दिया है, ये मक्खन दिया है जिसे आप किसी भी रोटी पर यहाँ पर जो देंगे उस रोटी पर लगा सकते हो, ये गुड़ है, ये ग्रीन चटनी है, ये पिकल है, ये खजूर की चटनी है। ये इन्होंने हमें दो तरह की कढ़ी दी है, एक मीठी कढ़ी, एक राजस्थानी कढ़ी जो थोड़ी स्पाइसी होती है, बटर मिल्क, पापड़, और ये चने की सब्जी दी है इन्होंने, ये मिनी समोसा, और ये मुठिया है, वेजिटेबल मुठिया इन्होंने दिया है मुझे। मुठिया भी बड़ी स्पेशल चीज़ है, गुजरात में अलग बनता है, राजस्थान में अलग बनता है, दोनों ही बड़े टेस्टी होते हैं। ये हलवा है, आलू की सब्जी है, खड़ धान की सब्जी है, अखा अनाज जो कहते हैं हम, ये दाल और पालक है, और ये भिंडी की सब्जी, और बीच में है मालपुआ। अच्छा, रोटी की वेराइटी, बाजरे की रोटी है, ज्वार की रोटी है, और सिंपल रोटी है। अब आपको आश्चर्य होगा कि गुजरात तो एक ऐसा स्टेट है, यहाँ के फूड में आपको हर तरह की ब्रेड यानी रोटी जो है मिल जाती है। यहाँ पर भाकरी मिलती है, यहाँ बाजरी रोटी खाई जाती है, ज्वार रोटी खाई जाती है, नॉर्मल चपाती खाई जाती है, तो इस तरह के इनके ब्रेड रोटी में भी काफ़ी वेराइटीज़ है। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये मसाले वाली रोटी है और आलू की सब्जी के स्वाद इसका बहुत बढ़िया आ रहा है, आलू के साथ तो सच में स्वाद निखर गया। हलवा टेस्ट करते हैं। अमेजिंग। अगर मिठाई सही बन गई तो समझो बाकी का खाना तो सही बना ही होगा, क्योंकि ये एक टिपिकल चीज़ होती है। ये दूसरी बाजरे की रोटी मैं ट्राई करता हूँ, और इसको ट्राई करता हूँ इस पालक और इस दाल के साथ में। जनरली इसमें मक्खन लगाया जाता है, मैं भी थोड़ा सा मक्खन लगा देता हूँ। इस तरीके से, और फिर इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा निखर जाएगा, क्योंकि मक्खन का जो काम है वो तो आप जानते ही हो, किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी बनाना हो तो घी और मक्खन, और वैसे भी काठियावाड़ी कल्चर में मक्खन की बहुत बड़ी अहमियत है। पंजाबियों में भी है, राजस्थानियों में भी है, ये तीन स्टेट में तो है। तो एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये मुठिया का टेस्ट, जनरली राउंड होते हैं लेकिन यहाँ पर इन्हें बर्फ़ी का शेप दिया हुआ है, तो इसे मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। जनरली कढ़ी और मुठिया का कॉम्बिनेशन होता है। ख़त्म करता हूँ, चीज़ें आपने इतनी देख ली तो अभी तक तो मुझे इसका स्वाद बड़ा ही ज़ोरदार लग रहा है, और आप भी आ सकते हैं यहाँ, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो अहमदाबाद में ये रजवाड़ू है, और आप लोगों को यहाँ जब भी आना हो प्री बुकिंग भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी अवेलेबल है, क्योंकि जनरली यहाँ पर हमेशा फुल रहता है, तो आप कॉल करके आइएगा, उस हिसाब से आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। तो थैंक यू, फिलहाल मैं ये ख़त्म करता हूँ, बाय बाय।